नमस्कार, स्वागत है आपका रहना न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा गुट के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही, विवाद बढ़ता जा रहा है और जो घमासान मचा हुआ थमने का नाम नहीं ले रहा। विवाद जो है चुनावी हार के बाद शुरू हुआ और वो विवाद नेता प्रतिपक्ष पद से होते हुए अब प्रदेश अध्यक्ष पद तक पहुंच चुका है और लड़ाई जो है दोनों गुटों के बीच बराबर की तन चुकी है। टक्कर दोनों गुटों की एक समान हो चुकी है। सबसे पहले बताएंगे कि किस तरीके से कुमारी शैलजा गुट हुड्डा गुट पर हावी है, क्योंकि चुनावी हार के बाद लगातार हार का ठीकरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर और हुड्डा खेमे पर फोड़ा जा रहा है और कांग्रेस हाईकमान पर भी लगातार यह दबाव बनाया जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से हुड्डा गुट पर एक्शन लिया जाए, कार्रवाई करवाई जाए और हुड्डा गुट को दरकिनार कर दिया जाए, ठिकाने लगा दिया जाए। हालांकि हुड्डा गुट ने भी अपनी ताकत, अपने वर्चस्व के दम पर कांग्रेस हाईकमान को भी कोई सख्त कदम उठाने से कई बार रोक दिया है। बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लगातार नेता प्रतिपक्ष पद पर दावा ठोक रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर संख्या बल के मामले में विधायकों की संख्या और विधायकों का समर्थन अपने साथ एक बार नहीं बल्कि दो बार दिखा चुके हैं, तो ऐसे में कांग्रेस हाईकमान भी जो बड़े बदलाव को लेकर प्रयासरत था, जो कोशिशों में जुटा हुआ था कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर इस बार संगठन के तौर पर या फिर यूं कहें कि सियासी तौर पर बड़ा फेरबदल किया जाए, बड़ा जो है बदलाव किया जाए, लेकिन अब तक उन बदलावों को, उन जो है फेरबदल को अमल में लाने में कांग्रेस हाईकमान भी फेल नजर आ रहा है, या फिर यूं कहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कांग्रेस हाईकमान भी, शीर्ष नेतृत्व भी झुकने पर मजबूर है। लेकिन अब बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर नहीं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर, जिस पर फिलहाल पिछले लंबे समय से काबिज हैं चौधरी उदयभान, जिनको लेकर अब हरियाणा कांग्रेस के अंदर एक और ही बखेड़ा खड़ा होता नजर आ रहा है। आपको बता दें या फिर यूं कहे कि सबको मालूम भी है, चौधरी उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर ही बनाया गया था ताकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष को अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकें, यूज कर सकें। हालांकि ऐसा देखने को भी मिला चौधरी उदयभान के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चाहा, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम करवाने की प्रयास की, कोशिश की, चौधरी उदयभान ने ठीक उसी तरीके से काम किया, उसी तरीके से जो है हस्ताक्षर किए, उसी तरीके से जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काम आए हैं। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हर काम को आसान बनाने में, सरल बनाने में संगठन के तौर पर चौधरी उदयभान ने, प्रदेश अध्यक्ष ने सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक जिम्मेवारी निभाई है। हालांकि अब बड़ी बात यह है कि हार का ठीकरा जो लगातार हुड्डा खेमे पर फूट रहा है, लेकिन हुड्डा खेमा है कि मानने को तैयार नहीं है और हार का असल कारण ईवीएम को बताया जा रहा है, ईवीएम पर लगातार जो है दोष लगाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया भी हार को स्वीकार करते हुए संवैधानिक तौर पर अपने पद को छोड़ने को लेकर इस्तीफा सौंप चुके हैं। वो बात अलग है कि अब तक हाईकमान ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से पीछे ना हटते हुए, अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए और ये बात कहते हुए कि वो प्रदेश के प्रभारी थे चुनाव के दौरान और ऐसे में अगर कांग्रेस हारती है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी जवाबदेही बनती है और वो अपनी जिम्मेवारी से, अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हटेंगे, और ये बात कहते हुए उन्होंने हरियाणा प्रदेश प्रभारी के पद से इस्तीफा हाईकमान को सौंप दिया था, लेकिन हाईकमान ने अब तक वो इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। ठीक उसी तरीके से अब कांग्रेस की जो लगातार तीसरी बड़ी हार, करारी हार हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हुई है, उसको लेकर हुड्डा खेमे पर दबाव बनाया जा रहा है कि हुड्डा खेमे की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान लगातार पद पर काबिज हैं वो अपना पद छोड़ दें। हालांकि ये भी अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर चौधरी उदयभान स्वेच्छा से इस पद को नहीं छोड़ते हैं तो उसके बाद उनकी भी हरियाणा कांग्रेस के अंदर दुर्गति होने वाली है, उनकी भी किरकिरी होने वाली है, जमकर फजीहत होने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर कांग्रेस हाईकमान फैसला कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो ऐसे में चौधरी उदयभान का प्रदेश अध्यक्ष पद से हटना लगभग नहीं बल्कि बिल्कुल
तय माना जा रहा है, कन्फर्म माना जा रहा है। और अगर चौधरी उदय भान खुद इस पद को नहीं छोड़ते, कांग्रेस उनको हटाती है, तो उसके बाद हरियाणा कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में उनकी किरकिरी हो जाएगी, उनकी फजीहत हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि पद से हटने के बाद ये चौधरी उदय भान के लिए दूसरा बड़ा झटका होने वाला है और उनकी सियासत पर एक बड़ा खतरा भी साबित होने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर चौधरी उदय भान जो कि हरियाणा कांग्रेस के खुद प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी चुनाव हार जाते हैं सोहना सीट, वो भी चुनाव हार जाते हैं होडल सीट से। तो ऐसे में जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही चुनाव नहीं जीत पाता, तो उसके बाद ये माना जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष उस जिम्मेवारी को संभालने में सक्षम नहीं है या फिर उस जिम्मेवारी के काबिल नहीं है। और इसी को लेकर लगातार ये बात कहते हुए शैलजा गुट की तरफ से कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बनाया जा रहा है कि एक बड़ा पद शैलजा खेमे को मिलना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हुड्डा नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर अपना दमखम दिखा रहे हैं, अपना वर्चस्व और दबदबा दिखा रहे हैं, संख्या बल दिखा रहे हैं, तो उसके बाद माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष पद हुड्डा खेमे को मिल सकता है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष पद से हुड्डा खेमे की छुट्टी की जा सकती है, हुड्डा खेमे को जो है हटाया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हुड्डा खेमे की एक नहीं चलने वाली है, पेश नहीं चलने वाली है, और प्रदेश अध्यक्ष पद इस बार शैलजा खेमे के साथ जा सकता है, फिर यूं कहें कि शैलजा खेमे के पास वो पावर वो ताकत जा सकती है, और प्रदेश अध्यक्ष शैलजा गुट से कोई भी चेहरा हो सकता है। हालांकि चर्चाएं कुमारी शैलजा को लेकर भी चल रही हैं कि वो उदय भान को हटाकर नई प्रदेश अध्यक्ष बनाई जा सकती हैं, लेकिन यह फैसला कितनी जल्दी होगा यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि कुमारी शैलजा को केंद्रीय संगठन के अंदर बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है, यानी कि केसी वेणुगोपाल की जगह कुमारी शैलजा को संगठन महासचिव बनाया जा सकता है, यानी कि प्रमुख जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं या फिर जिस भी सूची को जारी करना होता है उसके ऊपर संगठन महासचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और वो हस्ताक्षर कुमारी शैलजा बहुत जल्द करना शुरू कर सकती है, उनको वो जिम्मेवारी दी जा सकती है। अब अगर ऐसा होता है तो हुड्डा खेमा चारों खाने चित होने जा रहा है, क्योंकि कुमारी शैलजा अगर संगठन महासचिव बनती हैं, जो प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में कांग्रेस के संगठन को संभालेंगी, तो ऐसे में हुड्डा खेमे के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा, जो हुड्डा खेमा प्रदेश में पद संभालने के लिए लड़ाई लड़ता रह गया, अपना वर्चस्व दबदबा दिखाता रह गया, और कुमारी शैलजा अगर उस लेवल से ऊपर निकल जाती हैं, तो ऐसे में हुड्डा खेमे का चारों खाने चित होना पस्त होना तय माना जा रहा है। और अगर कुमारी शैलजा को केंद्रीय संगठन में नहीं भी लिया जाता है, तो ऐसे में चर्चा है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दोनों ही समीकरणों को अगर देखा जाए, दोनों ही सियासी चर्चाओं को अगर नाप तोल कर देखा जाए, तो दोनों ही तरीकों से हुड्डा खेमे को बड़ा नुकसान होना तय है, क्योंकि जहाँ हुड्डा खेमे का हरियाणा प्रदेश के संगठन से दबदबा हट जाएगा जब कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगी, तो अगर कुमारी शैलजा को केंद्रीय संगठन में जगह मिलती है, तो उसके बाद प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर से जहां भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना दबदबा दिखाने का प्रयास करते हैं, वहां से उनका दबदबा और वर्चस्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान की तलवार जो है हुड्डा और उदय भान के ऊपर लटकी हुई है, सियासत पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जो चौधरी उदय भान विधानसभा चुनाव में हार गए और अब जो उनसे प्रदेश अध्यक्ष पद भी अगर छीन लिया जाता है, तो ये उनको सियासी तौर पर दूसरा बड़ा झटका साबित होगा, यह उनके लिए सियासी तौर पर दूसरा बड़ा झटका साबित होगा, और इस झटके के बाद उनकी सियासत पूरी तरीके से खतरे में आ जाएगी, लाल निशान क्रॉस कर जाएगी। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि कांग्रेस हाईकमान क्या वास्तव में ही हरियाणा कांग्रेस के अंदर संतुलन बनाने का प्रयास करेगा या फिर हुड्डा खेमे को सिरे से खारिज कर देगा, नकार देगा। यह एक बड़ा संशय बना हुआ है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ हूं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।